हेलो व्यूवर्स, इंडियन टीम जो कि इस वक्त साउथ अफ्रीका के टूर पर मौजूद है, इंडियन टीम वहां 3 टेस्ट और 3 ODI मैचेस की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज कल से बॉक्सिंग डे टेस्ट से हो रहा है और ये पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के वेन्यू पर खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान खेले गए ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो दोनों टीमों के दरमियान 1992 से लेकर 2019 तक अब तक 39 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से इंडियन टीम ने 14 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 15 टेस्ट मैचेस जीतने में कामयाब हुई, जबकि 10 टेस्ट मैचेस ड्रा हुए हैं। इसी तरह दोनों टीमों के दरमियान साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले टेस्ट मैचेस के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर अगर हम नज़र डालें तो दोनों टीमों ने 1992 से लेकर 2018 तक अब तक साउथ अफ्रीका में 20 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से इंडियन टीम ने सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 10 मैचेस जीतने में कामयाब हुई, जबकि 7 मैचेस ड्रा हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले जाने वाली ओवरऑल टेस्ट सीरीज के रिकॉर्ड की। दोनों टीमों के दरमियान 1992 से लेकर 2019 तक अब तक 14 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिसमें से इंडियन टीम ने 4 टेस्ट सीरीज जीती हैं, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम 7 टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुई, जबकि 3 टेस्ट सीरीज ड्रा हुई। इसी तरह दोनों टीमों के दरमियान साउथ अफ्रीका में खेली जाने वाली ओवरऑल टेस्ट सीरीज के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो दोनों टीमों के दरमियान 1992 से लेकर 2018 तक अब तक 7 सीरीज वहां पर खेली जा चुकी हैं, जिसमें से इंडियन टीम कोई भी सीरीज जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 6 सीरीज जीती हैं और 1 सीरीज ड्रा हुई। विराट कोहली दूसरी मरतबा इंडियन टीम को साउथ अफ्रीका के टूर पर टेस्ट सीरीज में लीड करने जा रहे हैं। इससे पहले 2017 और 18 में इंडियन टीम ने विराट कोहली की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी, जो कि साउथ अफ्रीकन टीम ने 2-1 से जीत ली थी। आखिरी टेस्ट मैच में इंडियन टीम ने 63 रन से कामयाबी हासिल की थी। रोहित शर्मा जो कि इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल इंडियन टीम की वॉइस कैप्टनसी के फ्राई सर अंजाम देंगे। इसके अलावा सीनियर प्लेयर अजिंक्य रहाणे और पुजारा जो कि अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए थे, इसके बावजूद वो टेस्ट सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा है। इंडियन टीम के टेस्ट स्क्वाड में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशान शर्मा, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव की शक्ल में 5 क्वालिटी फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। अब देखना यह है कि पहले टेस्ट मैच में कौन कौन टीम में जगह बनाने में कामयाब होता है। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका की टीम ICC टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे साइकिल में अपनी पहली टेस्ट सीरीज इंडिया के खिलाफ खेलने जा रही है। डीन एल्गर प्रोटियास की कैप्टनसी के फ्राई सर अंजाम देंगे, जबकि टेम्बा बहुमा उनके वाइस कैप्टन होंगे। टेस्ट सीरीज से आगाज से कबल साउथ अफ्रीकन टीम को एक बड़ा झटका ये लगा है कि उनके की फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया हिप इंजरी के बायस टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। एनरिक नोकिया की गैर मौजूदगी में कगिसो रबादा और लुंगी नगीरी के कंधों पर अब काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साउथ अफ्रीकन अटैक को लीड करें और अपनी टीम को इंडियन टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कामयाबी दिलाने में एक अहम किरदार अदा करें। पहला टेस्ट मैच कल से सेंचुरियन के वेन्यू पर खेला जाएगा। सुपर स्पोर्ट पार्क की पिच की अगर हम बात करें तो ये पिच बैटिंग के लिए बेहतर रहती है और बैट्समैन अपने स्ट्रोक फ्रीली खेल सकते हैं। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर भी सरफस से सीम मोमेंट हासिल कर सकते हैं, इसके साथ साथ उन्हें सरफस से एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। पहले टेस्ट मैच के लिए साउथ अफ्रीका की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से होगी। नंबर 1 पर डीन एल्गर, नंबर 2 पर एडन मार्ग्रम, नंबर 3 पर कीगान पीटरसन, नंबर 4 पर रेसी वंडर डुसान, नंबर 5 पर टेम्बा बभूमा, नंबर 6 पर क्वेंटन डिकोक, नंबर 7 पर वियान मल्डर, नंबर 8 पर केशव महाराज, नंबर 9 पर कगिसो रबादा, नंबर 10 पर लुंगी नगीरी और नंबर 11 पर ड्वेन ओलिवियर। जबकि दूसरी जानब इंडियन टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे नंबर 1 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 2 पर केएल राहुल, नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पर विराट कोहली, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर ऋषभ पांत, नंबर 7 पर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर ईशांत शर्मा, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह।